नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा राजस्थान परिवहन के बारे में। मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है जो एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दूं, सड़कों का वर्गीकरण हम भारत में परिवहन पढ़ेंगे, उस टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखिए मित्रों, 31 मार्च 1951 के अंदर भारत में सड़कों की लंबाई केवल और केवल 17,339 किलोमीटर थी, ठीक है, जो बढ़कर 31 मार्च 2016 के अंदर 2,17,707.25 किलोमीटर हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ सड़क घनत्व की, तो सड़क घनत्व कितना है मित्रों, वो है 63.61 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है, तो वो है बाड़मेर जिला, ठीक है। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक सड़कों की संख्या किस जिले के अंदर है, तो जोधपुर जिले के अंदर सर्वाधिक सड़कों की संख्या है। उसके बाद न्यूनतम सड़कों की संख्या धौलपुर जिले के अंदर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव वाला जिला, तो मित्र गंगानगर ऐसा जिला है, ठीक है, जहां पर सर्वाधिक गांव है, गांव से जुड़ी सड़कें है, ठीक है, सर्वाधिक। फिर नेक्स्ट है सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला, तो मित्रों उदयपुर है, पहले जयपुर था, ठीक है, वर्तमान में कौन सा है, उदयपुर। उसके बाद पॉइंट आता है सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव वाला जिला, तो सिरोही जिला न्यूनतम गांव वाला जिला है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि सड़कों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्यालय वाला जिला, तो जैसलमेर जिला, ठीक है। उसके बाद आता है मित्रों सर्वाधिक सड़क घनत्व, ठीक है, तो मित्रों सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है दौसा जिले के अंदर 87, कितना 87, पहले ये राजसमंद के अंदर था, एग्जाम के अंदर दौसा ऑप्शन नहीं हो तो आपको लगाना है राजसमंद, ठीक है। इंडिया की बात करें तो केरल के अंदर सर्वाधिक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ सड़कों का न्यूनतम घनत्व, ठीक है, तो न्यूनतम घनत्व कहाँ पे है, जैसलमेर जिले के अंदर है, ठीक है। इंडिया की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या राजस्थान के अंदर कितनी है, तो वो है मित्रों कितनी, 39 है, ठीक है। राज्य राजमार्गों की संख्या की बात करूं तो वो है 170, ठीक है, टोटल 15,607 किलोमीटर की लंबाई में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई राजस्थान के अंदर कितनी है, तो मित्रों 8,168 किलोमीटर है, पहले थी 8,016 किलोमीटर, ठीक है, ये नहीं लगाना 2015 के अंदर थी, ये 31 मार्च 2016 थी, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई हो गई सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के अंदर है NH 15, ठीक है, उसकी 906 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी दी हुई है और एग्जाम में भी ये आ चुकी है 893.50 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये नहीं हो तो ये लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ सर्वाधिक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान की, तो राजस्थान का है NH 71B, इसकी लंबाई केवल और केवल 5 किलोमीटर है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ता हूँ आगे और नेक्स्ट बात करता हूँ राज्य का सबसे बेस्ट फ्रॉम राजमार्ग कौन सा है, तो वो है NH 8, ठीक है, सबसे वेस्टर्न राजमार्ग। फिर राज्य का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे, तो प्रथम एक्सप्रेस हाईवे की बात करें तो वो है NH 8 ही है, ठीक है, जयपुर से किशनगढ़ तक, कहाँ तक, जयपुर से किशनगढ़ तक। राज्य का सबसे छोटा स्टेट हाईवे, ठीक है, सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, स्टेट हाईवे 23, केवल और केवल इसकी लंबाई 3 किलोमीटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राज्य का सबसे बड़ा स्टेट हाईवे, वो है HS 1, ठीक है, स्टेट हाईवे 1 444 किलोमीटर, कितना, 444 किलोमीटर। फिर बात आती है मित्रों सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या वाला जिला, वो है पाली, इसके अंदर 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, वो कौन कौन से हैं, NH 14, 65, 65A, 112, 112, 186A, ठीक है, 129A और 325, ठीक है।
राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की सर्वाधिक लंबाई वाला ठीक है जिला, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है? उदयपुर जिला। न्यूनतम की बात करें तो वो है करौली जिला। ठीक है, पहले मित्रों ये बताया गया था हनुमान, पहले कौन था? हनुमानगढ़ था, 8 किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान के अंदर बात करें तो करौली है। NH 11, 15 और 76 ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो 7 जिलों से गुजरते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, भारत में सबसे लंबा NH मित्रों वर्तमान के अंदर NH 44, इसका पहले नाम था NH 7। ठीक है, तो मित्रों इसकी जो लंबाई है कुल लंबाई वो है 3,745 किलोमीटर। NH 7 दिया हुआ होगा ठीक है कहीं जगह पे, और उस टाइम इसकी लंबाई थी 2,369 किलोमीटर। कितनी? 2,369 किलोमीटर। अधिकतर जगह ये दिया हुआ है और उसके साथ में लंबाई दी हुई है 2,369 किलोमीटर। ठीक है, बाई चांस ये आ जाए तो ये लगाना NH 7। ठीक है, और इसके अंदर ये दी हुई हो 3,745 किलोमीटर तो आपको ये लगानी है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे ठीक है कौन सा? सबसे छोटा 47A। कौन सा? 47A मित्रों, 5.92 किलोमीटर, लगभग 6 किलोमीटर। ठीक है, विलिंगटन आइसलैंड से कोचीन केरल। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है राष्ट्रीय राजमार्गों के में सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य, तो यूपी राज्य यहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, उसके बाद आता है महाराष्ट्र का। संख्या की बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक संख्या तो वो है यूपी के अंदर। ठीक है, ये बात आई होप आपको जरूर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट और देखते हैं सड़क नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य वो कौन सा है? हमारा राजस्थान। ठीक है, फिर नेक्स्ट है RSRTC, फुलबम राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। इसकी स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1964 को। ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य था सुभाष ते पंथान संतो। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, जो इसका कार्य क्या है? यात्री सुविधा उपलब्ध करवाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करता हूँ रिडकोर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ 2004 को और इसके अंदर राजस्थान सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंशियल सर्विस दोनों की 50-50% भागीदारी है, और वर्तमान के अंदर ये मेगा हाईवे परियोजना का संचालन कर रहा है। कौन? रिडकोर। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ RSRDCC राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले मित्रों इसका नाम था राजस्थान स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन। ठीक है, 2001 से ये कार्यरत है। जो इसका जो कार्य है मित्रों वो है आधुनिक पुलों, ठीक है, आधुनिक पुलों सड़कों के निर्माण को अति शीघ्र व योजनाबद्ध तरीके से करवाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि राजस्थान राज्य का मतलब राजस्थान पहली राजकीय बस सेवा, ठीक है, ये टोक से लगाकर कहां से? जयपुर तक थी, 1952 के अंदर प्रारंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट है ग्रामीण बस सेवा की, तो ये उदयपुर बस स्टैंड से प्रारंभ की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान क्या? हाड़ोती यातायात प्रशिक्षण पार्क, ये कहाँ पे है? कोटा के अंदर। ठीक है, इतनी बात आई होप जरूर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करता हूँ ट्रैफिक पार्क, तो ट्रैफिक पार्क ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, लर्निंग लाइसेंस को मित्रों 2011-12 के अंदर ठीक है ऑनलाइन स्टार्ट किया गया। ठीक है, राज्य का पहला मेगा हाईवे कौन सा है? तो मित्रों है सेतराबा फलोदी। ठीक है, जोधपुर से लगाकर राम जी की गोल बाड़मेर तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सुरक्षा परिषद, इसका गठन मित्रों 3 जुलाई 2009 को हुआ। ठीक है, राजस्थान राज्य सुरक्षा परिषद। फिर नेक्स्ट राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना मित्रों कृषि उपज मंडी को सीधे गांवों से जोड़ना। ठीक है, इसके माध्यम से सड़कों के माध्यम से इसके लिए सड़कों का विकास करना, ये था मित्रों आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया मैंने, संस्थाओं के बारे में बताया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा
नेशनल राजमार्ग के बारे में, जो नेशनल हाईवे उनके बारे में, और उसके बाद हम बात करेंगे इससे संबंधित जो योजना है उनके बारे में। तो मित्रों बने रहिए, थैंक यू।